हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवियस। सो गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ हाउ टू सर्च द एनआईसी कोड। देखिए, कई सारे लोग जो है अभी एमएसएमई अपना सर्टिफिकेट या उद्योग आधार बना रहे थे, तो उनको एक प्रॉब्लम जरूर आ रही होगी कि एनआईसी कोड कौन सा लेना है मेरे बिजनेस के लिए, कौन सा एनआईसी कोड जो है यहाँ पे लगेगा। तो देखिए, आज मैं आपको तीन रास्ते बताने वाला हूँ कि जिस किस तरीके से आप अपने उद्योग आधार का एनआईसी कोड जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो गाइस, सिंपली देखिए यहाँ पे क्या करना है। जो पहला तरीका है कि यहाँ पे इन लोगों ने खुद ने यहाँ पे एक सर्च टैब दी हुई होती है, तो यहाँ पे आपको जो है तीन लेटर लिखने होते हैं मात्र। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं लीगल सर्विसेज हूँ, तो मैं सिर्फ LEG, तो जैसे मैं ये तीन लेटर लिखूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे जो है इससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज आती है, जितने भी एनआईसी कोड्स आते हैं, ऑटोमेटिकली मुझे ये सर्च बार बता देगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप इसको ऐसे फटाफट टाइप करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे, तो ये गायब हो जाएगा। तो बेस्ट क्या तरीका है, आप अपनी सर्विस, आप जो भी आप सर्विस दे रहे हैं या जो भी आप प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं, उसके सिर्फ जो स्टार्टिंग के तीन लेटर है उसको यहाँ टाइप कीजिए। तो कई बार गाइस क्या होता है ना कि कई बार जैसे यहाँ पे आपको ऐसी चीजें मिलेगी नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, मोबाइल की शॉप्स के हो गए या कुछ ऐसा, आपका ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जो आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा, तो उस केस में मैं दूसरा तरीका बताना चाहूंगा। उस केस में गाइस क्या है, उस केस में आपको यहाँ पे एक डाउनलोड करनी पड़ेगी PDF, जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एनआईसी कोड का 2008 का। अब ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या दे रखा है, पूरे 198 पेजेस है। तो जितने भी आज तक एनआईसी कोड्स बने हैं उन सब की डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। तो अब आपको यहाँ पे सर्च कैसे करना है, सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल ऐप दबाइए और आपका जो भी प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आप सर्च कीजिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप सर्च करेंगे तो ये देखिए, जैसे लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विस मिल गया। अच्छा, सबसे अच्छी खास बात क्या है इस ई बुक की कि भाई वेबसाइट पे तो क्या होता था, आपको मोटा मोटा दिखता था, अच्छा ठीक है, लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज या सर्विसेज आती है वो सिर्फ आपको इस ई बुक के थ्रू ही पता चलेगी। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ जैसे लीगल, राइट, तो अब आप देख सकते हैं लीगल लीगल लीगल, हाँ ये डिविजन पे पहुंच गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से डेफिनेशन दे रखी है कि दिस क्लास इंक्लूड द लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड पार्टी इंटरेस्ट अगेन अनदर पार्टी वेयर और नॉट बिफोर कोर्ट्स और अदर जुडिशियल बॉडीज अंडर सुपरविजन पर्सन हु आर द मेंबर ऑफ द बार अदर एक्टिविटीज ऑफ नोटरी पब्लिक सिविल लॉ मैटर्स बेल आर्बिट्रेटर्स एग्जामिनर रेफरर्स दिस क्लास एक्सक्लूड लॉ कोर्ट एक्टिविटीज। देखिए मतलब क्लियरली एक चीज पता लग जाती है कि भाई इसमें लॉ कोर्ट की एक्टिविटीज यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो है बहुत ध्यान से जो है अपना एनआईसी कोड जो है चूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है ये बेस्ट PDF बुक है। मतलब पहले तो आपने क्या किया कि गवर्नमेंट की साइट पे सर्च किया, वहां से आपने कंफर्म किया अच्छा मेरा ये एनआईसी कोड हो सकता है। उसके बाद में आप क्या कीजिए, इस PDF बुक के अंदर ये डाउनलोड, मैं आपको ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आप सर्च कीजिए, उस डेफिनेशन को पढ़िए कि उस एनआईसी कोड के अंदर कौन कौन से बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस को जो है इंक्लूड किया जाता है। जो तीसरा तरीका गाइस वो है बिल्कुल सिंपल है। आप क्या कीजिए, गूगल के ऊपर जो है सिंपल, आप जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मुझे लीगल सर्विसेज का एनआईसी कोड चाहिए, तो आप सिंपल से एनआईसी कोड लिखिए। तो क्या होगा कि कुछ सर्विसेज जो है या कुछ जो प्रोडक्ट्स है जो किसी ने यूज किए हुए या कभी उनका मेंशन हुआ किसी वेबसाइट के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली गूगल जो है आपको निकाल करके दे देगा कि हाँ भाई ये एनआईसी कोड है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होगा कि आपको गूगल निकाल के देगा। तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट है जिन लोगों ने क्या कर रखा है, ये जो मैंने जो PDF बताई उसमें से पूरा का पूरा डेटा जो है वो फेच कर रखा है। जैसे क्लियर टैक्स हो गया, तो इसका एक वेब पेज है, तो यहाँ पे देखिए आप जैसे सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। लेकिन देखो वही कंफ्यूजन है, ये सिर्फ वही बताएगा जो गवर्नमेंट का डेटाबेस है, आपको डिटेल नहीं दी जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। तो सेम कहानी देखिए, एक GATA2Z.com करके एक वेबसाइट है, तो वहां पे भी आपको जो एनआईसी कोड मिल जाएंगे। उसके बाद में इंडिया फाइलिंग्स भी मिल जाएंगे, साथ में हमारी जो वेबसाइट है माय एनआईसी है वहां पे भी एक ऐसा ही टूल लिखा हुआ है और आपको वहां पे भी मिल जाएंगे। तो गाइज इस तरीके से आप अपना एनआईसी कोड इजीली चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा, आप ऑफिशियली जो है एनआईसी कोड का PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना बिजनेस का एनआईसी कोड जो है सेलेक्ट कीजिए, चूज कीजिए, उसकी डेफिनेशन को पढ़िए, उसके बाद ही अपना जो एनआईसी कोड है उद्योग आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके आप चूज कीजिए। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।